गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने कल बहुत ही मेहनत के बाद पेंटिंग बनाई, जो कि मैंने फ़र्स्ट पेंटिंग बनाई है। और तो आज संडे है, आज मैं सोच रही हूँ कि मम्मी के लिए कुछ मैं स्पेशल बनाती हूँ, क्योंकि रोज़ मम्मी कुछ ना कुछ हमारे लिए बनाते हैं कॉलेज के लिए। तो आज हम फ्री थे, तो दिन में मैं सोच रही हूँ कि मम्मी की फेवरेट लॉटे बनाऊँ। लॉटे होते हैं जो मतलब बैटर तैयार करते हैं, आटा और गुड़ का और चीनी का भी होता है, तो वैसे करके उसको तैयार करते हैं और उसको घी के साथ खाते हैं। तो आप देखना कैसे मैं बनाती हूँ, तो बस मैं वही बनाने जा रही हूँ, लेट्स सी। तो देखिए, इसके लिए मैंने लिया है ये गुड़, और इसके लिए मैंने लिया है गुड़। तो हमें थोड़े से ही लॉटे बनाने हैं, तो उसके लिए हम इतना सा गुड़ हमारे लिए सफिशिएंट होगा। और ये हम पानी डालेंगे गुड़ के लिए, इतना सा इनफ है। एंड इसे हम बॉईल होने देते हैं और इसमें हम ये गुड़ भी डाल देते हैं। ये डाल दिया हमने इसमें ये गुड़, एंड लेट्स स्टार्ट। जब तक ये गुड़ हमारा पिघलेगा, तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे चुटकी भर से सोडा, तो जिससे कि मतलब थोड़े सॉफ्ट सॉफ्ट बन जाते हैं, मतलब अच्छे बनते हैं, इसका टेस्ट अच्छा होता है। तो बस हम वो करेंगे। अब हम इसके लिए पहले आटा निकालते हैं और उसमें ये डालेंगे और चुटकी भर से सोडा डालेंगे, फिर हम बनाएंगे। और आप देख सकते हैं कि गुड़ पूरी तरह से एकदम इसमें रच बस चुका है, इसमें एकदम घुल सा गया है। तो बस अब ये गुड़ पिघल गया है और अब हम इसे डालते हैं आटे में और थोड़ा सा डालते हैं सोडा। तो ये ले लिया है अपने हमने आटा, एंड इस आटे में हम मिलाएंगे ये गुड़। पर ये अभी अच्छी तरह से इसमें घुला नहीं है, तो इसे हमें अच्छे से इसमें घुलाना पड़ेगा। ये देखिए, इस तरीके से हमें ये तैयार करना है। तो जो ये आपने तैयार किया है ना बैटर, इसको आप चीनी का भी बना सकते हैं, बट मुझे चीनी का पसंद नहीं है, तो मैं इसे बनाती हूँ गुड़ का। मतलब गुड़ के लोटे और चीनी के लोटे दोनों टाइप के बनते हैं, बट वो डिपेंड करता है आपके टेस्ट पे कि आपको कैसे कौन सा गुड़ वाले पसंद है आपको, चीनी वाले। तो मुझे तो पसंद है गुड़ वाले, और मैं मोस्टली गुड़ वाले ही बनाती हूँ। इवन मैं चीनी वाले बनाती ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है, तो बस मैं ये गुड़ वाले बना रही हूँ। तो आप चीनी डाल सकते हैं इसमें, पर हाँ, आपको ये कि चीनी के लिए आपको इसको वो मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं, चीनी का आपको चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं, उसको आप डायरेक्ट इसमें डाल के पानी आटा और चीनी और थोड़ा सा सोडा ऐड कर सकते हो और ऐसे ही बना सकते हो। तो बस दैट्स इट। तो अब हम इसे रखेंगे 15 टू 20 मिनट्स के लिए, ताकि जो इसमें सोडा जो हमने थोड़ा सा डाला है उसकी वजह से ये मतलब इसमें थोड़ा सा डिजॉल्व हो जाए अच्छे से, इसके सॉफ्ट सॉफ्ट से लॉटे बन सके। यस, तो ये देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनाते हैं। इसको ऐसे लेना एंड इस तरह से सर्कुलर मोशन में इसे घुमाते रहना। और इसको ऐसे करना जब तक ये अच्छे से, ये देखिए पीछे से ऐसा डार्क सा हो गया, इसको बस ऐसे परत देना। सिंपल सिंपल एंड इजी एंड टेस्टी रेसिपी। यहाँ से आप इसे चेक कर सकते हैं, जब तक ये ऐसा ऐसा हो जाता है ना, तो बस आप इसे उतार सकते हैं और ये पक चुका है। देखिए, अभी बनने को काफ़ी है,
और मैंने काफ़ी ज़्यादा बना दिए हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ओके, बाय बाय।